साल पुराने केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद जाप के कार्यकर्ता और जाप के जो भी नेता है काफी आक्रोशित है। लगातार प्रतिदिन पप्पू यादव की रिहाई के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम करते आ रहे हैं, चाहे वो गरीबों के बीच खाना बांटना हो, सेवा दो, और तंत्र मंत्र की विद्या भी अपना रहे, यज्ञ भी कर रहे हैं, ताकि जो भी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको कोई भूत पिशाच अगर पकड़ा हो तो इस यज्ञ के और तंत्र मंत्र यज्ञ से उनको भूत पिशाच। क्या कर रहे हैं आज? जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक हमेशा से विरोध करती आई है खराब नीतियों के खिलाफ। उसी के तहत जब बिहार सरकार का बंडा टूटने लगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को तथाकथित तौर पर अरेस्ट कर लिया गया है। उसी के क्रम में हम लोग चरम पर आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो आंदोलन किया, पुतला दहन किया, अर्थी जुलूस निकाला, उपवास किया, और यही नहीं तांत्रिक यज्ञ के माध्यम से सदबुद्धि आए वो भी काम किया, और आज हम लोग अंधी दही नंगी सरकार के खिलाफ अग्रिम नंग होकर तमाम कार्यकर्ता उन बिहार सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर पप्पू यादव को रिलीज नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन करने के लिए भी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के लोग तैयार हैं और आगे करेंगे, चूंकि पप्पू यादव सेवा कर रहा था और सेवक को इस महामारी में, पंडित महामारी में झूठे केस में, 32 साल पुराने केस में बताया गया है। हम लोगों का सिर्फ एक मांग है कि पप्पू यादव को अविलंब रिहा किया जाए और राजीव प्रताप रूड़ी जो एम्बुलेंस चोर है, जिन्होंने गरीबों का एम्बुलेंस चुरा के रखा, उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। कहाँ पर किए हैं सर? अभी हम लोग आगर चौराहा पर ये अर्धनग्न प्रदर्शन किए हैं दरभंगा के अंदर में, और सारे बिहार के अंदर में ये कार्यक्रम चल रहा है। सेवा दल जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में सेवा दल बना करके खाना गरीबों को मुहैया कराया जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं ताकि गांधीवादी लोग, पप्पूवादी लोग सरकार, अंधी बड़ी सरकार को समझा सके कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, हमें उग्र करने पर मजबूर न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, पूर्व जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा। वहीं पर बाइट लेंगे आप एक आदमी आगे हाँ सही वैसा ही डिस्टेंस हो जाएगा, सबका फोटो आ जाएगा, बस वैसा ही रहेगा। सवाल कोई दूसरा पूछेगा या मैं पूछूं? आप ही पूछिए भैया, छोटा पूछेगा। गिरा दिया ये मोबाइल, पकड़ लाइव है, पकड़ना है मोबाइल। गोल क्या? गोल हाँ।
ये बताइए मुन्ना जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं? सर, जब से माननीय सांसद सेवक पप्पू यादव जी की अरेस्टिंग हुए तब से जनकर पाटिल दरभंगा इकाई कंटिन्यू उनके रिहाई के लिए हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने उनके लिए आंदोलन ये किया कि एक जो उनका आह्वान था कि एक सेवा दल बना के गरीब लोग जो भूखे मर रहे हैं उनको आप लोग खाना पहुँचाइए, उसके तहत हम लोग पिछले 6 दिनों से गरीब लोगों को 2 टाइम का खाना मुहैया करा रहे हैं उनके, और सरकार को सद्बुद्धि आए उसके लिए तांत्रिक यज्ञ भी हम लोगों ने करवाया ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए। हम लोगों ने आरती जुलूस भी निकाला, हम लोगों ने हमारे जो यहाँ के बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं उनका हम लोगों ने खुदा दहन भी किया, 1 दिन का वाच भी रखा और कई कार्यक्रम करते आ रहे हैं उसी के क्रम में, क्योंकि ये अंधी बहरी गूंगी सरकार ये समझ ले कि जन अधिकार पार्टी के लोग जान देने को तैयार है, अपना कपड़ा उतारकर अज्र नंग होकर सरकार को ये चिता रहे हैं कि जो हमारे सेवक हैं, जो बिहार के सेवक हैं जिन्होंने गलत तरीके से एम्बुलेंस रखने वाले का पर्दाफाश किया उसको आपने अरेस्ट किया, उसको अविलंब गिरफ्तार कीजिए, और जिसने एम्बुलेंस चुरा के रखा राजीव प्रताप रूड़ी को अविलंब गिरफ्तार कीजिए, और जो सेवक है जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसको अविलंब रिहा कीजिए। नहीं रिहा करेंगे तो? सर, नहीं रिहा करेंगे तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, अगर बिहार सरकार नहीं सुनेगी अंतिम बजे सरकार तो उग्र आंदोलन के लिए भी तृणमूल पार्टी लोग काफी जा रहे हैं और आगे करेंगे। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, पूर्व जिला अध्यक्ष तृणमूल पार्टी। ये बताइए इतना आक्रोश, इतना जुनून क्यों? आप बताइए इतना आक्रोश, इतना जुनून स्वाभाविक बनता है ना। बिहार में एकमात्र लीडर सेवक पप्पू यादव जी है जो पूरे बिहार में सभी अस्पताल में जाकर गरीब लोगों का मदद करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, लोगों को किसी अस्पताल में, बड़े बड़े अस्पताल में लोगों को एक घड़ी को पैसा मंगाया था, वहाँ पप्पू यादव जाके मदद करते हैं। बिहार सरकार का सांसद कोई विधायक अभी तक सड़क मार्ग नहीं आया है, किसी को टाइम खराब होने की वजह से हम कोई प्रेस वार्ता नहीं कर सकते, जिसमें से 4.5 मिनट का वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करते। अगर बात कहें तो उन्होंने पप्पू यादव की कुंडली रखी, इसका क्या कहें? सर, सबसे पहले उन्होंने पप्पू यादव की कुंडली रखी है, क्रिमिनल एक्टिविटीज की। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि जो सेवक होता है, जो जनता की आवाज़ बनता है, उस पर तो धाराएं लगती ही हैं, लेकिन जो चटुकार होते हैं, जो मतलब तेल लगाने वाले होते हैं, अफसर के दराज होते हैं, उन पर कभी केस नहीं होता। आप देख लीजिए अंग्रेज के टाइम में भी यही हुआ था, और आज जो जनता के लिए मर रहा है उस पर केस हो रहा है, अपमान के उठाया जा रहा है। मैं राजीव प्रताप रूड़ी सिर्फ विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सिर्फ इस पर ये बताएं, आपने 24 मिनट की अभी आपने जो प्रेस वार्ता किया, आप उनमें सिर्फ ये बताइए कि आपने जो एम्बुलेंस चुरा के रखा उसकी कुंडली बताई आपने? उसकी कुंडली तो आपने नहीं बताई कि आपने आखिर 1 साल से ऐसी एम्बुलेंस को, जबकि पिछले बार भी महामारी आया था, आपने उस महामारी में एम्बुलेंस चुरा के क्यों रखा? आपको उस पर जवाब देना था। आप पप्पू यादव का जो सवाल था ये था, जिसको हाई कोर्ट ने भी कोर्ट किया और आज बिहार सरकार को गलती माननी पड़ी। ऑक्सीजन का लेकर जी ऑक्सीजन का पीएम क्षेत्र में ऑक्सीजन गड़बड़ी होता हुआ है, उस पर आज माफी मांगनी पड़ा। इसीलिए ये जो पोल खोल रहे थे पप्पू यादव, बिहार सरकार का और बीजेपी के काले चेहरे वाले जो नेता है उनका पोल खोल रहे थे, उसके विरुद्ध में आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज के पेपर में खाली जो आया है ऑक्सीजन का, क्या लगता है पप्पू यादव अगर 8 दिन से नहीं हम कहेंगे तो फील्ड में क्या और भी सब आ सकते थे? माननीय पप्पू यादव जी ने तो ये मांग किया है कि मास्क का, सैनिटाइजर का, ऑक्सीजन का, और दूसरी बात ये जो हम लोग ग्लोव्स यूज कर रहे हैं उसका सबका ऑडिट होना चाहिए कि बिहार सरकार में कहां कहां गबन हुआ है। ये पहली बार हुआ है कि जो दलाल लोग थे अमीर होते चले गए, जो गरीब है गरीब में रह गए। सबसे बड़ी विडम्बना यही है, इसी बात की विडम्बना हम लोग कर रहे हैं कि इस विडम्बना के कारण ये क्या हो रहा है। दूसरे सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा होता रहा, अगर यही होता रहा, तब तो कोई भी बिहार सरकार के खिलाफ नहीं उठे, और जो बिहार सरकार को मनाए वही मनमोजी करे। इसीलिए हम ये बिहार की जनता को जताना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में आप लोग आगे आइए और बिहार सरकार के विरुद्ध में, जो बिहार सरकार ने पप्पू यादव के विरुद्ध में जो काम किया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये जो प्रेस वार्ता था, इसको आप क्या कहेंगे? प्रेस वार्ता या प्रेस ब्रीफिंग थी? अरे, प्रेस ब्रीफिंग थी उनकी, वो अपने आप को ये बताना चाह रहे थे कि हम कितने साध हैं, लेकिन वो उनके ऊपर भी बहुत सारा केस है। सर, सब पोल खुलेगा, आज चाहते सब चिट्ठा रहा है, और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक उनका भी पोल खोल कर रखेगी, और ऐसे लोगों का जो खासकर
चोरी करके सीना चोरी दिखा रहे हैं उनको भी नंगा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुन्ना खान का, इन्होंने कल की जो प्रेस इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।